मोना में हुई किडनैप, परम ने किया कुछ इस तरह से उसे किडनैप, क्योंकि पूरी तरीके से अब परम को हो गया है शक कि वो बल्ली नहीं बल्कि है करण। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और ये रही जिद्दी दिल मानेना की लेटेस्ट अपडेट। और इस अपडेट में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो अब परम के सामने करण का सच आ गया है, तो इसी वजह से ये सारा कुछ सोच कर परम ने कर लिया है मोनामी को किडनैप। और अब आप देखेंगे कि इसके बाद जो करण है वो उसे बचाने आता है और साथ ही साथ प्रेम भी होता है। यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हुआ है ये पूरा शूट, आइए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन जिद्दी दिल मानेना का। आगे मत बढ़ना, ये आपके और मेरे बीच की बात है, इसमें मोनामी को इन्वॉल्व मत करिए। इन्वॉल्व तो ये है ही, इन्वॉल्व हम सब है, तो प्रॉब्लम है, देश की प्रॉब्लम है। गलती आपने की, धोखा आपने दिया है हमें, अकेडमी को, देश को। वो आगे बोला, आपने धोखा दिया है हमें, देश को, अकेडमी को, और अब आप देश को गलत ठहरा रहे। धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा तुमने मुझे दिया, धोखा इस अकादमी ने मुझे दिया, धोखा इस देश ने मुझे दिया। तुम्हें क्या पता, आई वाज टॉर्चर्ड फॉर डेज, फॉर आवर्स, फॉर मंथ्स, और मैं टूटा रहा। जब टीआरएफ ने मुझे ये बताया कि मेरी मन से मना कर दिया, जिस देश के लिए अपनी जान को खतरे पे ले बैठा था, उसे मेरी परवाह नहीं, तो फाड़ गए देशभक्ति, फाड़ गए देश, पास कर रहे हो परम। सौरभ, आप यहां क्या कर रहे हैं? इट्स नॉट सेफ। इट्स ओके शेखर, आई एम फाइन। परम, जानते हो तुम जहां से तुम गायब हुए हो, जिस दिन गायब हुए, हमने उस जगह का कोना कोना चप्पा चप्पा चौन मारा, एक साल तक उस जगह की निगरानी की, लेकिन तुम्हारा कहीं कोई सुराग नहीं मिला। एंड बिलीव मी, किसी टेररिस्ट ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है परम। झूठ। और सबसे बड़े अफसोस की बात जानती हो क्या है? मेरा बेस्ट कमांडो, माय बेस्ट कमांडो परम शेरगिल, वो टेररिस्ट लोग, उसे ब्रेन वॉश करने में सक्सेसफुल हो गए। दे ब्रेन वॉश यू परम। आप झूठ बोल रहे सर, झूठ है सब, मैं नहीं मानता। सर क्यों झूठ बोलेंगे परम भैया? और मैं, आपको क्या लगा था कि आपको बुलाकर मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया? आप मेरे लिए मेरे सब कुछ थे, मेरे दोस्त, मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड, मेरे आइडल, मेरे भगवान। बट द ब्रेन वॉश यू भैया, वो आपको यूज करना चाहते थे भैया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आप उनके साथ मिल गए तो बड़े से बड़े कर सकते। वो आपको यूज करना चाहते थे भैया, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर आप उनसे मिल गए तो उनके किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। भैया प्लीज सरेंडर, अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे तो भाभी और बेबी के बारे में सोचिए, बट प्लीज आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना करण, और ऐसा शूट अप। ओके, तुम भी गलत, मैं तुम्हारे इमोशनल बातों में फंसने वाला नहीं हूं। नो भैया, करण मैं जानता हूं तू अपने भाई पे गोली नहीं चलाएगा। करण, कीप यू गन डाउन, नामी अपने जान से जाएगी। इजी और स्टॉप, कट, फायर करो।